आप लोग सोच रहे हो कि हमने जिंदाबाद दोनों भाई काहे कर रहे हैं, पगला उगला गया कहाँ लोग समारोह गौतम ना जी, जिंदाबाद के कुछ कारण है तो सुनिए। जिंदाबाद इसलिए नहीं कि नीलुआ को मसूरिया ने पिलुआ पड़ा दिया, बल्कि जिंदाबाद इसलिए कि शारदा सिन्हा का केलवा के पात पर उगिले सूरज देव धाके धूपे से करेली छठ भरतिया के धाके धूपे, ऐसा गाना आज भी इन अश्लील कलाकारों का कहीं नहीं बसता है जैसा शारदा सिन्हा जी का यह छठ गाना है। और जो रोंगटा पहले खड़ा हो जाता था वो आज भी नहीं होता है जिंदाबाद इन मूर्खों के गाना पर। और जिंदाबाद इसलिए नहीं कि चाची के बाची मसूरिया के सपनवा में आती है, बल्कि जिंदाबाद इसलिए कि पवन सिंह के लाली पॉप जैसा गाना भोजपुरी इंडस्ट्रीज के ऐसा कोई गाना नहीं जो बीस विख्यात हुआ। और जिंदाबाद इसलिए भी नहीं कि मसूरिया ने चूसा ता देवरा चूसा ता गाना गाया था, बल्कि जिंदाबाद इसलिए कि रितेश पांडे जी का हेलो कौन जैसे गानों का व्यूज आज भी किसी पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों को नहीं मिला। नहीं मिला, आखिर क्या कारण है? कभी सोचिए और विचार कीजिए कि हम सब जिंदाबाद आज क्यों कहने आए। जिंदाबाद इसलिए नहीं कि मसूरिया ने गाया लगवादी राजा जी हमारा लहंगा है मीटर, बल्कि जिंदाबाद इसलिए कि भरत शर्मा जी के नीमिया के डाड़ मैया लावे ली झुलुआवा की झूली झूली ना, आज भी ऐसा पावन भजन जो हमारे बाबा के दौर में सुना जाता था और प्यारा लगता था, आज भी ये भजन उतना ही प्यारा हम लोगों को भी लगता है। और जिंदाबाद इसलिए भी नहीं कि मसूरिया ने नींबू खरबूजा भैल जैसा गाना गाया, बल्कि जिंदाबाद इसलिए कि पवन सिंह जी ने हिंदी से कलाकारों को खींचकर भोजपुरी में लाना शुरू कर दिया, क्योंकि ऐसा करने से हो सकता है कि हिंदी और भोजपुरी मिलके पूरे विश्व में हिंदी के तरह भोजपुरी भी गूंजे। बिल्कुल, तो आज खास करके हम सब जिंदाबाद इसीलिए करने आए थे। और आप सबों को मैं बता दूं कि हम दोनों भाई आज पिछले 6 महीने से किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम विरोध अश्लील कलाकारों का कर रहे हैं। अब जिंदाबाद तो बहुत हो गया, अब कुछ दुख भरी हुई बातें कर लेते हैं। दुख इसलिए नहीं कि अंतरा सिंह प्रियंका की तरह नागिन हमारे भोजपुरी समाज को खराब कर रही है, बल्कि दुख इस बात का है कि शारदा सिंह जैसे आज भी पूरे इंडस्ट्री में कोई लेडीज सिंगर नहीं आया है। दुख इसलिए नहीं कि मसूरी के कार पे कोई पत्थर चलाने लगता है और मसूरी रोने लगता है। अरे दुख इसलिए है कि जब मसूरिया किसी माँ बहन और बेटियों को पिलुआ पड़ने वाली बात बोल देता है। दुख ये नहीं कि आजकल के लौंडे को निर्गुण और भजन अच्छा नहीं लगता, बल्कि दुख इस बात का है कि आज के दौर में भरत शर्मा और मदन राय जैसा गवैया पैदा ही नहीं हो रहा है इस अश्लील कलाकारों के सिवाय। दुख इसलिए नहीं कि आज के कलाकारों का कोई इज्जत नहीं करता, बल्कि दुख इस बात की है कि सैल्यूट और आदर पूर्वक सूचक शब्दों का इस्तेमाल या प्रयोग करे वैसा भिखारी ठाकुर जी के जैसा कोई बनना नहीं चाह रहा है। कलाकार तो हैं, पर अश्लील कलाकार हैं। दुख इस बात का भी नहीं है कि आजकल के जो अश्लील कलाकार हैं, वो अश्लील गागा के पैसा कमा रहे हैं, बल्कि दुख इस बात का है कि कल ऐसा ना हो कि इस पैसे के चक्कर में अपने माँ बाप को भी अश्लील कलाकार कोठे पे बेचे। तो देखिए और समझिए और सोचिए कि जो हम कहे हैं जिंदाबाद और दुख वाली बातें क्या वाकई में सच है। अगर सच है तो एगो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो के आगे पहुंचाइए। नमस्कार, प्रणाम, जय मगध, जय बिहार।